भागवत की अपार महिमा है, जो मुर्दे को भी जीवित कर दे, उसके अंदर भी जीवन संचारित कर दे, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा। सुखदेव जी ने ही प्रथम इसको प्राप्त कर लिया था और सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। यह है श्रीमद् भागवत कथा, इसकी अपार महिमाएं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषिताम, कीर्ण ने बतलाया, सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई। परम किंचन मन शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन की शुद्धि के लिए उसे बढ़कर कोई भी साधन दूसरा संसार में नहीं है। हजारों जन्मों में, करोड़ों जन्मों में जिसने पुण्य किए हो, अनंत पुण्य किए हो, उसी को भागवत श्रवण करने को मिलता है। पुण्य के बिना नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत श्रवण वही कर सकता जिसने अनंत पुण्य पहले से किए हो। आप लोग बड़े पुण्यवान है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों आदमी उनके बीच में आप लोग पहुंच गए यहां पर श्रवण करने के लिए। अनुमान किया जा सकता है, नैयायिक लोग अनुमान करते हैं, इमे पुण्यवंता श्रीमद् भागवत श्रवण कारित्वात्, ये अनुमान है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए आपके मन में अभिलाषा हुई तो समझना चाहिए करोड़ों जन्म के पुण्य का ही ये परिणाम है। अब इस पुण्य को बर्बाद ना करो, भला श्रवण पूरा कर लेना चाहिए। श्रवण स्वयं करो और दूसरों को भी कहो श्रवण करो, श्रवण करो, दूसरों को भी बोलते जाना चाहिए। इसका जो करता है उसको जितना फल कारयिता को भी मिलता है, अनुमोदयिता को भी मिलता है। जितने लोगों को आप प्रेरित करके लाएंगे उतने बार भागवत श्रवण करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, वाला ये याद रखना। अगर 10 आदमी को आप लाए तो समझना चाहिए कि आपने 10 बार भागवत श्रवण किया। एक बार भागवत श्रवण करने का पुण्य इतना होता तो 10 बार भागवत श्रवण करने का पुण्य तब मिलेगा यदि 10 को साथ में लाएंगे रोज रोज, और संपूर्ण भागवत सुनना होगा, ये शर्त है इसमें। ऐसा नहीं कि बीच बीच में उठ करके चलते बने, संपूर्ण भागवत आदि से अंत पर्यंत आप श्रवण कीजिए। ये अमर कथा है, अमृत कथा है। वो अमर जो है, जीव को अमर बनाने का मतलब है अमृत माने मोक्ष प्राप्त कराने वाला, ये शास्त्र है। परीक्षिते कथाम सभायां संचिते सुरे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन सुगम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधारिमाम। बड़ी विलक्षण बात, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जो ही प्रारंभ करते हैं उसी समय में देवलोक से पूरे के पूरे देवता वहां पहुंच गए गंगा किनारे, और सुखदेव जी को प्रणाम करके वे बोलने लगे, भगवान आपसे हमारी एक बड़ी प्रार्थना है। सुखदेव जी बोले, बोलो क्या है, क्या है तुमको बोलना है। राजा परीक्षित को तो यही ना भय है कि तक्षक आएगा और काटेगा और जिससे मृत्यु हो, तो इस भय से हम उसको मुक्त कर देते हैं। ये देखो हम लोग अमृत का घड़ा साथ ले लेके आए हैं, ये अमृत है घड़े के अंदर भरा हुआ है, ये अमृत हम राजा परीक्षित को पिला देते हैं, ना इसको किसी तक्षक का भय, ना यमराज का भय, कोई भय नहीं रहेगा। सुखदेव जी बोलने लगे, आगे क्या बोलना चाहते हो, सो कहो पूरा, इतनी उदारता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, दया आ गई क्या। कहा इसलिए हम आए, ये जो कथा रूपी अमृत है आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे, वो कथा हमको दे दीजिए और हम अपने देवलोक का अमृत ये राजा परीक्षित को पिला देते हैं। सुखदेव जी उड़ी से चोटी तक देखने लगे, बोलने लगे, वाह ये अच्छा व्यापार धंधा करने के लिए तुम आए,
निर्वहान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान जहाँ देवलोक की सुधा कहाँ और कथा रूपी सुधा कहाँ। देवलोक की जो कथा है, देवलोक का जो अमृत है उसको तो समझ लो कांच, और ये भागवत रूपी जो कथा है यह है मणि, रत्न है ये तो रत्न। कहाँ कांच और कहाँ रत्न, वह तुम कांच के बदले में रत्न छीन कर ले जाना चाहते हो, तुम ठग हो ठग। कांच देकर जो रत्न हीरा दे गया है वो तो ठग ही माना जाएगा। बच्चों को तुम ठग सकते हो, बढ़िया कांच बड़ा दिखा दिया गोल गोल, और उसके कान में पहले ही जो हीरे का है उसको वो लेकर कोई चलता भरे वो जिस प्रकार ठग होता, वैसे तुम ठग होकर आए हो। तुम भक्त नहीं हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, नहीं तो हम तुमको बैठने के लिए कहते कि बैठो तुम भी सुन लो, लेकिन बैठना नहीं अभी, यहाँ पर जाओ सीधे जाओ, जिस पाँव से आए उसी पाँव से वापस चले जाओ, तुमको हम कथा नहीं ही सुनाएंगे। देवता लोग बड़े निराश हो गए और उसी पाँव वापस भी चले गए। ये कथा बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जिसके हृदय में भक्ति हो, श्रद्धा हो, भागवत के प्रति भक्ति हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, सुखदेव के प्रति भक्ति हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, वही श्रीमद् भागवत श्रवण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अनधिकारी हो वो अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम विदुर्लभा राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित। स्वल्पारंभ में कर रहा हूं, इस समय भागवत महात्म्य में आपको सुना रहा हूं, और थोड़ा सा इस समय सुनाया, अब शेष कथा में आप लोगों को सायंकाल सुनाऊंगा। सायंकाल आप लोग 3 बजे आएंगे, 3-3.5 बजे, और आज तो महात्म्य ही श्रवण करेंगे, और कल से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आज ये जो महात्म्य प्रारंभ किया यही सायंकाल आप सुनेंगे। महात्म्य भी सुनना जरूरी है, भागवत सुनने का फल तभी होता है जब महात्म्य भी सुन लेते हैं, इसलिए सायंकाल महात्म्य आप लोग पूरा सुनेंगे, और कल से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुबह से श्रवण करेंगे। 8:30-9 बजे क्या समय रखा है, 9 बजे रखा है ना, ठंडी होने से 9 बजे ठीक है, 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे आप लोग सब पहुंचिए, और 7 दिन के लिए तो आपको छुट्टी ही लेनी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। हाँ आपको छुट्टी ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें समय की पाबंदी यदि आप रखेंगे इतने समय सुनना तो श्रवण अधूरा हो जाएगा। और अभी आप सुन रहे थे अमृत कथा है, ये अमृत कथा संपूर्ण श्रवण करना चाहिए, ये अमृत पान करना चाहिए, तो आप पूरा समय निकाल कर श्रवण कीजिए, औरों को भी साथ में ले लेकर आइए। कल से श्रीमद् भागवत कथा आप लोग प्रारंभ से अंत पर्यंत श्लोकों के ये सब जो बीच में श्लोक सुनाता हूँ ना, ये सब मंत्र है भला, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को मंत्र मानते मंत्र, हाँ ये मंत्र भी सुनना चाहिए, बाकी तो खाली भाषा भाषा में बोलेंगे तो कहानी मात्र हो जाएगी, इसलिए आपको मंत्रों के साथ श्रीमद् भागवत श्रवण कराऊंगा। और ऐसा जो श्रवण है इसकी बहुत अधिक महत्ता बताई है, मंत्र भी सुनो और उसकी व्याख्या भी जैसे इस प्रकार मैं सुना रहा इसी प्रकार 8 दिन तक 9 दिन तक लगातार श्रवण आप करेंगे, और नियम बना करके आपको आना चाहिए, अपना अपना स्थान निश्चित करके वहां पर आसन बिछा के बैठना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 3-3 घंटा कभी 3.5 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे भी हो जाएंगे बोला, और जिस रोज लंबी कथा होगी जरा ज्यादा देर तक बैठना होगा, उसकी तैयारी करके आप लोग आ जाएंगे। अब आप लोग 3-3.5 बजे ठीक है, 3:30 बजे आप लोग सब के सब
देरी से नहीं साहब, ऐसे तो 3 बजे बोलेंगे तभी 3:30 बजे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस प्रकार हम लोग नहीं करते हैं, सीधा ही बोल देते हैं 3:30 बजे आप लोग उपस्थित होंगे और ये पूरी कथा सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजनी नारायण 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 भजनी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की नम पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणासद्यो वैकुण्ठफलदायकं सत्तारेण स्मृतं चेत् सर्वथा मुक्तिदायकम् नगाद्दीरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। श्रीमद्भागवत कथा अति दुर्लभ है, छल कपट करने वालों को यह कथा प्राप्त नहीं हो सकती। श्रवण करने पर भी समझ में नहीं आ सकती। देवताओं ने छल कपट किया था और उसी का परिणाम यह हुआ कि उन्हें सुनने तक को भी नहीं मिला। तब से यह प्रसिद्धि हो गई कि श्रीमद् भागवता देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, केवल मनुष्य ही इस कथा के अधिकारी है।
मानव जन्म प्राप्त होने के बाद अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया तो उसके उससे बढ़कर भला क्या ज्ञान होगा। इस मानव शरीर में आपको यह अधिकार प्राप्त है कि भागवत का श्रवण कर सकते हैं और मोक्ष भी पा सकते हैं, किंतु अपने अधिकार का उपयोग ना कर मानव जीवन को ही इस प्रकार जो वृथा बिताते हैं उनके लिए शास्त्र यही कहता है कि अनेक योनियों में वे भटकते ही रहते हैं हजारों लाखों वर्ष तक, हजारों लाखों वे जन्म फिर से लेते रहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि। सूर्य जी कहते हैं 7 दिन तक राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी और 7वें दिन ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, कहने लगे, भला ये भागवत की कैसी महिमा, 7 दिन में ही राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। इतनी भारी है क्या भागवत? भागवत साधना इतने महान साधना है क्या? ब्रह्मा जी को भी जिज्ञासा हो गई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि तौल कर देखना होगा, अन्य जितने साधन है और श्रीमद् भागवत है, दोनों में वजनदार कौन? दूसरे भी ऐसे साधन है कि नहीं कि 7 दिन में जो मोक्षदायी हो या उससे भी पहले? ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही एक तराजू की कल्पना की। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को उन्होंने अपने मन से ही रखा और दूसरे पलड़े में अन्य समस्त साधनों को रखा। अन्य साधन मतलब यज्ञ है, दान है, तप है, इन सब को एक पलड़े में रखा। दुकान का वो नहीं परंतु ब्रह्मा जी का मानस पलड़ा। तराजू को जो ही उठाया, कहते हैं कि भागवत इतना वजनदार सिद्ध हुआ कि वो तो जमीन पर ही भागवत रह गई और अन्य जितने साधन थे दूसरे पलड़े में सब ऊपर की ओर उठ गए क्योंकि हल्के पड़ गए थे। और यही कारण है कि ब्रह्मलोक, इंद्रलोक आदि उसके फल जितने हैं ऊपर चले गए और श्रीमद् भागवत उस जमीन पर ही रह गई क्योंकि उसका वजन सबसे ज्यादा था, पलड़ा नीचे रह गया और भारत में ही यह श्रीमद् भागवत रह गए। यह देखकर ऋषियों को, महर्षियों को बड़ा आश्चर्य हो गया। ऋषि महर्षि यही समझते थे कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, दान श्रेष्ठ है, तप श्रेष्ठ है, किंतु इस दृश्य को जब से देखा तब से ऋषि मुनियों के मन में ये निश्चय हुआ कि श्रीमद् भागवत के बराबर कोई दूसरा अन्य साधन संसार में है ही नहीं। सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को ही यह प्रथम सुनाया था बद्री नारायण में। नारद जी इधर उधर जब भटक रहे थे, दयावश
सरक आदि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत नारद जी को सुनाया था। सप्ताह की प्रथा तब से ही चल पड़ी। सप्ताहे न श्रोताम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्य पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परी। सौनकादि ऋषियों के मन में जिज्ञासा हो गई, भला नारद जी श्रीमद् भागवत सुनने के लिए क्यों बैठ गए। नारद जी तो बहुत बड़े भारी ऋषि थे, ऋषि तो क्या देवर्षि थे, सिद्ध थे, योगी थे, ज्ञानी थे, भक्त भी थे। श्रीमद् भागवत नारद जी ने सप्ताह में 7 दिनों में सुना, ये भला किस प्रकार। शौनकादि ऋषियों ने इस प्रकार जब प्रश्न किया तो सूत जी कहते हैं कि ये किस पर कथा है, ध्यान देकर आप श्रवण करें, आपको मालूम पड़ेगा भागवत की कैसी महिमा है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सदसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाला में, बद्री नारायण में सनक सनंदन सनातन सनक कुमार ये चारों ऋषि एकत्रित हो गए थे। एक साथ वे चलते ही हैं। एक बार बद्री नारायण देवी पहुंच गए थे और सनक आदि ऋषियों का यही नियम था कि जहां कहीं पर भी जाए वहां पर सत्संग वे किया करते थे, सत्संग के बिना कभी वे रहते नहीं थे। चारों में से कोई एक वक्ता बन जाता था, बाकी तीन श्रोता। दूसरे लोग आए नहीं आए उसकी परवाह वे नहीं करते थे, एक जाए और दूसरे तीन श्रोता बन जाए। तीन आगे तो बहुत है, बहुवचन हो ही गया, कितने श्रोता थे का बहुत थे। अब बहुत थे बोलने के बाद थोड़े गिनती करके पूछते हैं कि कितनी संख्या थी, 30-40 3,000 4,000 की, 3,00,000 4,00,000 बहुत थे बस। सत्संग से मतलब, सत्संग तो गंगा है, यह गंगा बहती रहती है, जिनको स्नान करना है वे कर सकते हैं, आचमन करना है कर सकते हैं, प्यास लगी हो पारी पी सकते हैं। गंगा जी ये नहीं बोलती है कि तुम आओ पानी पियो, ये नहीं बोलते कि स्नान करो। गंगा बहती हुई चली जाती है, ये गंगा का स्वभाव। सत्संग भी गंगा है, ये गंगा का प्रवाह है, प्रवाह बह रहा है, आओ स्नान करो, पान करो, प्यास बुझाओ, ये सब जिज्ञासुओं के लिए है। सनकादि ऋषि इसी प्रकार सत्संग हमेशा किया करते थे। दूसरे लोग सुनने के लिए आते तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं आते तो अपने आप सुन लेते थे और क्या। सत्संग के लिए वे एक जगह बैठे ही हुए थे, उसी समय में उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी वहां से जल्दी भागते भागते जा रहे थे। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्ता दुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि ऋषियों को जब देखा तो नारद जी ने सबको नमो नारायणाय कहा। संत लोग मिलते हैं तो उनको नमो नारायण बोलकर ही आगे बढ़ते, चाहे जल्दी जाना हो तो भी वे नमो नारायण करके ही आगे जाते हैं। सनकादि ऋषियों ने पूछा, देवर्षि आप इस प्रकार भागते हुए कहाँ जा रहे हैं, शीघ्र शीघ्र कहाँ जा रहे हैं,
देखने पे ऐसा लगता है कि आप बड़ी चिंता में पड़े हुए हो, शून्य चित्त जैसे लग रहे हैं आप। तो आप तो मुक्त संग है, आपके मन में कोई कामना रहती नहीं है, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, आप मुक्त संग है, फिर इस प्रकार उद्विग्न क्यों? कारण क्या है बताइए, आपके लिए उचित नहीं है। बद्री नारायण की बात आपको सुना रहे हैं। नारद जी कहने लगे, अहम तु पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाविति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भगवान, मैंने बहुत दिनों से यह सुन रखा था कि यह पृथ्वी जितने भी लोग लोकांतर है उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, और उसमें भी भारतवर्ष की महिमा अपार है। पृथ्वी पर भी अनेक राज्य है, अनेक राष्ट्र है, अनेक वर्ष है, परंतु भारतवर्ष के बराबर कोई दूसरा वर्ष नहीं है। भारतवर्ष में मैं आ गया और बड़े बड़े तीर्थों में जाकर स्नान किया, दर्शन किया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गोदावरी में गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बहुत जगह मैंने भ्रमण किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि कहीं पर भी मैंने शांति नहीं देखी। जहां कहीं भी मैं गया वहां पर लोग उद्विग्न से लगते थे, घबराए हुए से, संतप्त जैसे दिख रहे थे। और मैंने देखा कि इस कलि युग का बड़ा भारी प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ चुका है। कहीं भी देखो तो सच्चाई नहीं है, झूठ बोलकर उसे सत्य सिद्ध करने में ही लोग अपनी चतुराई समझते हैं। झूठ बोलते हैं फिर उसको सत्य सिद्ध कर लेते, नहीं हमने जो कहा वो ठीक। जगह जगह मैंने जाके देखा लेकिन कोई तपस्वी नहीं है, तप करना किसी को पसंद नहीं। शीत उष्ण आदि द्वंद का सहन करते हुए भगवान का ध्यान करना यही तो तप है। लोग तपश्चर्या करने को तैयार नहीं, सबको आराम चाहिए, आनंद चाहिए, आराम से अतिरिक्त कहीं पर भी क्लेश थोड़ा भी होता हो वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते। पवित्रता लोगों में नहीं है, शुचिता। बाहर से सफाई तो जरूर रखते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन भीतर से तो बिल्कुल ही मैल भरा हुआ है लोगों के। दया नहीं है लोगों में। नारद जी कहने लगे सनकादि ऋषियों को, कोई भूखा रास्ते में पड़ा हुआ है, देखकर किसी को दया आती नहीं। रोगी होकर पड़ा है तो पड़ा है, लोग अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं, दूसरों का दुख देखकर उसे हटाने के लिए मन में बात आती ही नहीं। दानम न विद्यते, अपने पास में जो धन है वो समझते हैं कि ये मेरा ही है हमेशा के लिए, किसी को वे देते नहीं। सबके सब उदरम भरी हो गए हैं, अपना पेट भरो, अपना पेट भरो, यही एकमात्र सिद्धांत। बड़े कूटभाषी बात इस ढंग से करेंगे कि वे पकड़ में नहीं आ सकते, और निंदा स्तुति जो भी कुछ करना कर डालते हैं। मंदमति होते गए लोग, मंद भाग्य भी, पाखंड बहुत चलने लगा है, विरक्त भी बड़े दुर्लभ हो गए हैं। कन्या विक्रयिनो लोभा दंपतीनां च कल्कलम् आश्रमा यवने रुद्धा।
घर घर में मैंने देखा कि पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि पहले इस प्रकार नहीं था। घर में जो आदमी था वो पत्नी को अपने घर की लक्ष्मी समझता था, और जो घरवाली है वो अपने पति को देव के समान समझती थी। लेकिन अब इस प्रकार बराबरी हो गई है, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। आश्रमों में तो झगड़ों का ही साम्राज्य हो गया, मंदिर आदि अपवित्र हो रहे हैं। कवि रूपी दावानल ने इस प्रकार पूरे साधनों को जलाकर रख दिया कि सब भस्म ही हो गए। हट्टशूला जनपदा शिवशूला विजातयः काविन्य केशशूलिन्य संभवन्ति गला विहो। मैंने भ्रमण कर देखा इस प्रकार भारत वर्ष में, जहां कहीं पर भी मैं गया यही सब दृश्य देखने में आया। मुझे बड़ा दुख हो गया भारत की इस दुर्दशा को देखकर। अंत में मैं यमुना किनारे पहुंच गया, वहां पर मुझे एक आश्चर्य देखने को मिला। यामुनम तड़मापन्नो यत्र लीलाहरेरभु तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां जन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे विश्वसन्तावचेतनौ। आश्चर्य यह था, एक स्त्री थी, युवती थी, यमुना कुमारी किनारे बैठी हुई थी, उसके दो पुत्र थे। माता तो युवती थी, जवान थी, लेकिन पुत्र दोनों के दोनों बूढ़े थे, जरा जर्जरित थे, सफेद उनके बाल हो चुके थे, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पड़े हुए थे, झुर्रियां पड़ी हुई थी चेहरे पर। वह जो माता थी, जवान थी, दोनों की सेवा कर रही थी, शुश्रूषा कर रही थी, साथ साथ रोती जा रही थी, चारों ओर देख रही थी कातर दृष्टि से, कोई रक्षा करने वाले आ जाए, कोई रास्ता बतलाने वाला मिल जाए, इस प्रकार चारों ओर देख रही थी। कुछ सहेलियां भी उसकी थी और दासियां भी, वे बार बार समझा रही थी, चिंता ना करो, घबराओ मत, समय बलवान होता है, कभी बुरा समय आता है, कभी भला भी समय आता है। भला समय आता है तो मनुष्य बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आनंद उसको होता है, हर्ष होता है, लेकिन बुरा समय आता है तो वे रोने लग जाते हैं। वास्तव में बुरे समय में रोना भी नहीं चाहिए, अच्छे समय के आने पर हर्षित भी नहीं होना चाहिए। काल का यह क्रम है, चक्र है यह काल चक्र, उच्च नीचे ही नीचा, कभी चक्र की धुरी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है, इसलिए चिंता मत करो। इस प्रकार उसकी सहेलियां समझा रही थी, पर वो रोती जा रही थी, यही कहती जा रही थी, तुम भला मुझे क्या समझाओगी, देखो मेरे दोनों पुत्र, मैं तो हूं युवती जवान हूं, लेकिन ये दोनों बूढ़े होकर पड़े हुए हैं, भला इसको देकर किसका हृदय दुखी नहीं होगा, कैसे मैं समझ सकती हूं। नारद जी कहने लगे सनकादि ऋषियों को, इस दृश्य को देखकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं उस रास्ते से जा रहा था, दूर से ही उस स्त्री ने मुझे जब देखा तो बड़े जोर से उसने मुझे प्रणाम किया, दूर से ही उच्चारण किया,
दृष्ट्वा दूराद्गर सोहं कौतुकेन ददन्त्यहं मां दृष्ट्वा चोक्षुदा बाला विह्वला चाब्रवीत् वचः। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उस समय वह उठ खड़ी हो गई और विवल होकर व्याकुल होकर मुझसे वह बोलने लगी, भो भो साधो क्षण तिष्ठ न चिंता विनाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम पराम। वह कहने लगी, हे संत संत जी, थोड़ी देर आप यहां ठहरे, आपके दर्शन से ही मुझे शांति मिल रही है। संतों का दर्शन होता है तो संतप्त हृदय भी शांत होने लगता है। उनका दर्शन ही ऐसा होता है कि ऊपर से अमृत की मानो वृष्टि हो रही हो। मैं बहुत दुखी हूं, आप मुझे कुछ सांत्वना दें, मुझे कोई रास्ता बता दें जिससे मैं उस दुख को सागर को पार कर सकूं। जब बहुत भाग्य होता है तब ऐसे संत पुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। नारद जी कहने लगे उस समय, यह बताओ तुम कौन हो? ये तुम्हारे पास जो दो खड़े हैं, ये बैठ पड़े हुए हैं, कौन है यह? और ये सहेलियां तुम्हारी कौन है, ये बताओ हमें। वह बाला बोलने लगी उस समय, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्ना मानो काल योगी नजर्जराऊ। वह युवती बोलने लगी, भगवान लोग मुझे भक्ति कहते हैं, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो मेरे पुत्र है उनमें से एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। भक्ति है माता, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र हैं। जो सहेलियां हैं पास में, ये सब गंगा है, यमुना है, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ये सब पुण्य नदियां हैं, तीर्थ है ये तो, ये सब मेरी सेवा कर रही है, लेकिन मेरी दशा क्या है आप सुनिए, मेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हो गई थी, प्रकट हो गई थी। कर्नाटक देश में मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई थी, और कहीं कहीं महाराष्ट्र देश में मुझे पूछने वाले हैं। गुर्जर देश में जो ही मैं पहुंच गई, गुजरात में, तुम्हें जो युवती थी बूढ़ी हो गई, उस समय जीर्ण हो गई, दुर्बल हो गई, और मेरे जो दो पुत्र ये भी वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। पहला बुढ़ापा किसको पसंद आता है? मैं अपने आप को देखने लगी कि मैं बूढ़ी हो गई और मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए। सोचा जल्दी से जल्दी यहां से दूर जाना चाहिए। हम तीनों वहां से निकले और यहीं पर ब्रज में पहुंच गए, जमुना किनारे पहुंच गए। वृंदावन में आने से इस भूमि की ही यह महिमा रही कि मैं तो ठीक हो गई, मैं तो जवान हो गई। वृंदावन भूमि ही ऐसी है जहां पर भक्ति पुष्ट होती है, लेकिन मेरे पुत्रों को कोई यहां पर पूछता नहीं है, ज्ञान और वैराग्य को कोई यहां पर पूछता नहीं। भक्ति के अनुयायी वहां होते हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य को वहां पर कोई नहीं पूछता। और यही कारण है मेरे दोनों पुत्र ये बूढ़े दिख रहे हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि बूढ़े अपने पुत्रों को देखकर भला कौन माता ऐसी होगी कि जो खुश होकर के बैठी रहेगी। भक्ति जरूर प्राप्त करो,
पर साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए। कथा का यहाँ पर तात्पर्य है, तुम भक्ति करो, भजन करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, पूजा पाठ सब कुछ करो, लेकिन उतने में ही नहीं रह जाना। भक्ति की जो दो पुत्र है ज्ञान वैराग, दोनों की उपेक्षा मत करो। कौन ऐसी माता होगी संसार में जिनके पुत्र दुर्दशा को प्राप्त हो और स्वयं तगड़ी होकर बैठी रहें, तो कोई भी माता चाहेगी नहीं। इसी प्रकार भक्ति भी है, ज्ञान और वैराग्य बराबर ना हो और केवल भक्ति खूब करते रहते हैं लेकिन यह भक्ति को स्वयं को पसंद नहीं है। भक्ति करो, खूब भजन करो, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त करो, वैराग्य भी प्राप्त करो। ये ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति से ज्ञान होता है इसका मतलब भक्ति हो गई माता, ज्ञान हो गया पुत्र। भक्ति से वैराग्य होता है इसका मतलब है भक्ति माता है, वैराग्य पुत्र है। ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र की भी रक्षा करनी चाहिए, तभी भक्ति प्रसन्न होती है, तभी वह भगवान को प्राप्त भी कराती है। वह बोलने लगी भक्ति नारद जी को, हे देवर्षि, मेरे पुत्रों की दशा देखकर मुझे बड़ा ही क्लेश हो रहा है, वृंदावन में भी मुझे शांति नहीं, ज्ञान और वैराग्य को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, मैं चाहती हूँ यहाँ से ये जगह छोड़कर दूसरी जगह कहीं जाए। भक्ति बोल रही है कि इस वृंदावन को छोड़कर मैं अब विदेश जाऊं, मुझे यह जगह पसंद नहीं। याद रखो, जरूर भक्ति तुम्हारे पास होगी किंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं रहे तो भक्ति तुमको छोड़कर विदेश चली जाएगी। इसलिए साथ साथ सत्संग में बैठकर ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट करते रहो, ज्ञान वैराग्य का भी संपादन करो। इस प्रकार जब भक्ति बोलने लगी, नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे दत्तवानगे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यं ते करिष्यति। नारद जी ध्यान लगाकर जब देखने लगे, सब कुछ उनको दिखाई पड़ा और नारद जी बोले कि हे भक्ति, तुम जो बोलती हो वो बात यथार्थ है। अंतर दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूं, ये बात सब सही है। भक्ति हो और साथ साथ ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट होना चाहिए, नहीं तो भक्ति वहां रह नहीं सकती है। थोड़े दिन तक रहती है और उसके बाद में भक्ति चली जाती है। श्रमस्वावहिता वाले युगो यम दारुण करी तेरलुप्त सदाचारो योग मार्ग कपांसी। नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति, यह कली काल चल रहा है, सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में यही विशेषता थी। उस समय में सबके हृदय में भक्ति भी थी और साथ साथ सभी ज्ञानी होते थे, योगी होते थे। धीरे धीरे ज्ञान टूटता गया, योग टूटता गया, समाप्त होता गया। इह संतो विशीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः दत्ते धैर्यं तुयो धीमान स धीर पंडितोथवा। इस कलयुग की स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े संत लोग क्लेश पाते हैं, भले भी वे अपने को दुखी समझे या ना समझे,
क्लेश समझे या ना समझे, लेकिन क्लेश तो होता ही है। और जो धूर्त होते हैं वे बड़े सुखी होते हैं, अपनी धूर्ताई से वे काम सब कर लेते हैं। अस्पृश्यावलोकेयम शेष भारवरी परा वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे ये अस्पृश्य सी होती जा रही है पृथ्वी, और कहीं पर भी शांति नहीं, मंगल नहीं, कल्याण नहीं। वृंदावन के संयोग की महिमा है कि हे भक्ति तुम इस समय में तरुणी दिख रही हो। वृंदावन धन्य है जहां पर नित्य ही भक्ति युवती रहती है, लेकिन वहां पर भी ज्ञान और वैराग्य के अभाव में भक्ति छिन्न ही रहा करती है। कलियुग की ही यह महिमा है, विडंबना है, और उसी के कारण ये सारी बातें हो रही है। भक्ति पूछने लगी उस समय में भगवान, बड़ी जिज्ञासा मेरे मन में हो रही है। मैंने ऐसी कथा सुनी, राजा परीक्षित ने कली का निग्रह किया था, कली को पकड़ लिया था, मारने के लिए हाथ में खड्ग उठाया था। जब ये कली इतना दुष्ट था, उस समय मार क्यों नहीं डाला? मार डाला, मार डाला, मार डाला।